हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कर्मवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हम CSIR नेट और गेट एग्ज़ाम के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पर बहुत अच्छे से स्टडी करी। उसके बाद में अब हम लॉगरिथमिक जो फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस मतलब बन जाते हैं हमारे, मतलब सेम क्वेश्चंस, मतलब पूरे का पूरा क्वेश्चन यहाँ से डेस्टिनेट नहीं बनता, बीच में क्वेश्चन के बीच में कहीं ना कहीं यूज हो जाया करती हैं ये टर्म्स, ठीक है भाई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए करते हैं कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मैंने बताया था जेड हमेशा क्या रहेगा, ए प्लस आईटा बी, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहां से मैं आपको बता दूं, ये आर्ग्यूमेंट जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमने क्या पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट जेड प्लस टू एन पाई, ठीक है भाई, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी जर्नल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू थी, इसको क्या बोलते थे हम, जर्नल आर्ग्यूमेंट, ठीक है भाई, जर्नल आर्ग्यूमेंट। ये टर्म्स जो हैं इसके अंदर यूज होगी, ठीक है भाई। और ये भी हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करी थी, ठीक है भाई। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो क्या आएगा, ठीक है भाई। आपकी जो रियल एक्सिस पर हो तो क्या आएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, कंजुगेट एक्सिस पर हो तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आएगा। डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे डिटेल्ड लेक्चर है, ठीक है भाई, इस बारे में आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लॉग जेड इज डिफाइंड एज लॉग ऑफ जेड, ठीक है भाई, लॉग ऑफ मोड जेड टू द बेस ई प्लस आर्ग्यूमेंट जेड, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां लिख सकते हैं वेयर आर्ग्यूमेंट जेड क्या आएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस टू एन पाई, ठीक है भाई, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सम प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है भाई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैं आपको नोट करा देता हूं। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहली जो प्रॉपर्टी है, लॉग जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू, डियर फ्रेंड्स ये आ जाएगा लॉग जेड वन प्लस लॉग जेड टू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये प्रॉपर्टी आपकी रियल नंबर में ऐसे हुआ करती थी, लॉग एम मल्टीप्लाई एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, यहाँ एम एंड एन, ठीक है भाई, एम कोमा जो एन थे वो आपके रियल नंबर में बिलोंग करा करते थे, ठीक है भाई। यहाँ जेड वन जेड टू क्या है, जेड वन कोमा जेड टू, ये क्या है आपके कॉम्प्लेक्स के सेट से मिलेंगे, ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड वन जेड टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नंबर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है डियर स्टूडेंट्स, लॉग जेड वन अपॉन जेड टू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या जाएगा, लॉग ऑफ जेड वन माइनस लॉग ऑफ जेड टू, ठीक है भाई। यहाँ भी आपका, या ऐसे कर सकते हैं हम, फॉर ऑल जेड वन जेड टू, ठीक है भाई, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
और यहाँ ध्यान रखा जाएगा कि आपका जो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेंगे, ठीक है भाई। बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से नंबर तीन, लॉग जेड रेज टू पावर एन, ठीक है भाई। यहाँ भी ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी, देखो लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपका लॉग एम की पावर एन हुआ करता था, एन लॉग एम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा एन लॉग ऑफ जेड, ठीक है भाई, क्लियर डे स्टूडेंट्स। ये आपका प्रॉपर्टी हुआ इन तीनों के लिए, ठीक है भाई। फॉर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई। नोटेशन है, यूनिवर्सल नोटेशन है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है भाई। कई बुक्स में इस प्रकार से बनाया होता है, ठीक है भाई। तो जो भी नोटेशन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई लॉगरिथमिक फंक्शन की। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो आपका लॉग ऑफ माइनस टू, ठीक है भाई, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखवा देते हैं यहाँ पर, जैसे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिएगा नंबर वन, लॉग ऑफ माइनस टू माइनस लॉग ऑफ माइनस थ्री, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। एंड सो ऑन, जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है भाई, आर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन रियल एनालिसिस, ठीक है भाई, क्लियर है। ये आपके रियल एनालिसिस में नॉट डिफाइंड थे, ठीक है भाई, बट लॉग ऑफ माइनस टू माइनस थ्री, लॉग ऑफ माइनस फोर एंड सो ऑन, ठीक है भाई, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है आर डिफाइंड, आर डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है भाई। रियल एनालिसिस में आपको बोल दिया जाता था कि भाई लॉग ऑफ नेगेटिव रियल नंबर का, नेगेटिव रियल नंबर का जो है लॉगरिथम हम फाइंड नहीं कर सकते, डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है भाई। दूसरी बात आपको बता दूं कि भाई लॉग जीरो, लॉग ऑफ जीरो इज नेवर डिफाइंड, ठीक है भाई। जीरो तो जीरो है, जीरो रियल एनालिसिस की बात कर लो, उसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात, जीरो तो जीरो है, ठीक है भाई। जीरो का लॉग जो है डिफाइंड नहीं होगा, लॉगरिथम ऑफ जीरो इज नेवर डिफाइंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी इस डेफिनेशन के बारे में। अब देखिए हम जो है कुछ वैल्यूज निकाल के देखते हैं इसकी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जो है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन और लिखवा देता हूँ, फिर जो है इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है भाई, वीडियो को रोक कर आप जो है इस सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। एक डेफिनेशन और लिख देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है भाई। देखिए भाई
इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग जेड इज डिनोटेड बाई लॉग कैपिटल एल ओ जी जेड एंड इट इज डिफाइंड एज कैपिटल एल ओ जी जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोर जेड टू द बेस ई प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग जेड इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल ओ जी। ठीक है भाई, क्लियर है, एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल ओ जी डिनोटेड बाई ए एंड इट इज डिफाइंड एज कैपिटल एल ओ जी लॉग ऑफ मोड जेड टू द बेस ई प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए आपसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए पूछेगा इफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग जेड। ठीक है भाई, ऑल्सो फाइंड लॉग जेड। ठीक है भाई, आपसे लॉग जेड भी पूछ लिया और लॉग जेड की प्रिंसिपल वैल्यू भी पूछ ली। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से देखिएगा आपको इसको सॉल्यूशन करना है, वी हैव जेड इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस आयोटा। ठीक है डिस्टेंस, अब यहां से देखिएगा आपका इसको नंबर फर्स्ट डाल देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, वी गेट क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां देखिएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, सो जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा, टेन इनवर्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है भाई, जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में 2n पाई। ठीक है डिस्टेंस, 2n पाई एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिएगा क्या आएगा भाई, ये वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है भाई, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो यही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी प्लस 2n पाई। ठीक है भाई, n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है डिस्टेंस, यहाँ से कितना आएगा, टेन इनवर्स माइनस 1 अपॉन, यहाँ से कितना आएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2n पाई एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ से कितना आ गया, टेन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस 2n पाई एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, यहाँ से आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यहाँ से क्या आ गया आपका, देखिए जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया,
पाई बाई फोर प्लस टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। सो लॉगरिथमिक फंक्शन जेड कितना आ गया, लॉग मोड ऑफ, लॉग मोड ऑफ वन प्लस आयोटा टू द बेस ई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है भाई, यहाँ जो है ना आपका जेड की वैल्यू यही थी ना। ठीक है भाई, और ये आपका जो फॉर्मूला हमने ये लगाया है लॉग जेड का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिएगा आपका क्या आएगा, लॉग ये कितना आ जाएगा रूट वन स्केयर प्लस वन स्केयर टू द बेस ई प्लस कितना आ गया यहाँ से पाई बाई फोर प्लस टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉग ये कितना आ गया भाई रूट टू। ठीक है भाई, लॉग ऑफ रूट टू टू द बेस ई प्लस पाई बाई फोर प्लस टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसकी इस लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी ये क्या आती है, लॉग ऑफ मोड जेड टू द बेस ई प्लस आर्ग्यूमेंट जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिए ये तो कितना है, लॉग रूट टू द बेस ई और ये कितना है पाई बाई फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका हम यहां लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग जेड इज, लॉग जेड इज इक्वल टू कितनी आई, लॉग रूट टू टू द बेस ई प्लस पाई बाई फोर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है भाई, और दो चार क्वेश्चन करते हैं फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है भाई, हम जो है कंपटीशन एग्जाम में बहुत शॉर्टकट करेंगे इनको, मतलब ये चीज़ें इतनी एक्सप्लेन करके थोड़ी करेंगे, तो मैंने एक जस्ट कॉपी में उतारने के लिए ऐसे बनाया कि भाई कोई भी आपके नोट्स पढ़े तो अच्छा लगेगा उसको। ठीक है भाई, एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ से मैं इस सबको मिटा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू, इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो है लेक्चर को एंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। कह रहे फाइंड द ऑल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है भाई, वी हैव ई रेज टू पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए डब्ल्यू है क्या, डब्ल्यू है यू प्लस आयोटा वी। ठीक है भाई, क्लियर है, डब्ल्यू क्या है यू प्लस आयोटा वी, ये भी एक आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। यहां से आप देखिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है भाई, तो क्या आएगा, लॉग ई रेज टू पावर डब्ल्यू लॉग, ठीक है भाई क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया, डब्ल्यू लॉग ई। ठीक है भाई, ये कितना आ गया, लॉग माइनस वन प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ गया, डब्ल्यू लॉग ई, लॉग ई कितना होता है वन। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया, लॉग वन माइनस वन प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका W की वैल्यू आ गई, माइनस वन प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिएगा, अगर मैं इसको जेड लेता हूँ, ठीक है भाई क्लियर है,
मतलब मैं आपको बताऊं, e रेज टू पावर w को हम z ही पुट करते हैं तो log e रेज टू पावर w इज इक्वल टू log z आता है। ठीक भाई, w की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, log z। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब z ये है आपका, z क्या आ गया है, माइनस वन प्लस आईटा। ठीक है डिस्टेंस, तो log z, log z कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम बन गया है, तो क्या था ये, log मोड ऑफ z टू द बेस e प्लस ए आर जी z, मतलब कि जर्नल आर्ग्यूमेंट। ठीक है भाई, तो यहां से कितना आएगा, log मोड माइनस वन प्लस आईटा टू द बेस e प्लस, इसका जो जर्नल आर्ग्यूमेंट आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स। ठीक है भाई, ये देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है आपका, ठीक है भाई, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस वन अपॉन वन, ठीक है भाई, प्लस में पाई प्लस टू एन पाई। ठीक है भाई, एन बिलोंग्स टू जेड। नुकु जी सर ये आपने क्या लिख दिया, देखिए स्टूडेंट्स आपका जेड क्या था, ए प्लस आईटा बी। ठीक है भाई, और आपको मैंने बताया था इफ आपका ए नेगेटिव और बी क्या हो पॉजिटिव, तो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये क्या आता है आपका, यहां से क्या आता है भाई आपका, टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है भाई, प्लस का पाई। ठीक है स्टूडेंट, जी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं, हमें ये तो निकाला है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, यही तो होती है भाई। ठीक है भाई, टू एन पाई। ठीक है भाई, तो मैंने यही तो किया है, ये कैपिटल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। ठीक है भाई, आपके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है प्लस में टू एन पाई, तो ये आपका पूरा का पूरा इसकी वैल्यू बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, देखिएगा इसको मैं रब कर दूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या आया, log रूट माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर टू द बेस ई प्लस, ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स माइनस वन प्लस का पाई टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया, log रूट टू टू द बेस ई प्लस, डियर स्टूडेंट्स ये कितना आएगा, माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया, log रूट टू टू द बेस ई कितना आ जाएगा आपका, ये थ्री पाई बाई फोर प्लस टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है भाई, ये इसके सॉल्यूशन हो गए, आप एन इंटीजर लगाते जाइए, इसके सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। आई थिंक डिस्टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, यहाँ ये जो वैल्यू थी ये आपकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की है, प्लस में टू एन पाई करने से आपका जर्नल आर्ग्यूमेंट बन जाया करता था। ठीक है डिस्टेंस, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा इसका दूसरा पार्ट आप देखिए, दूसरे पार्ट में वी हैव ई रेज टू पावर w क्या दिया हुआ है, वन प्लस आईटा। ठीक है भाई, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ये क्या आ जाएगा, log e रेज टू पावर w log वन प्लस आईटा, तो क्या आएगा, w log e, यहां से इसकी वैल्यू निकालिएगा, देखिएगा log z, और z क्या बना है हमारा, पहला वन प्लस आयोटा, ये क्या था भाई आपका, log e mod z जनरल आर्ग्यूमेंट z। ठीक है भाई, और जनरल आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू कितनी थी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z प्लस टू एन
पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है स्टेज। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से लॉग मोड वन प्लस में आयोटा टू द बेस ई, ठीक है भाई। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट वन प्लस आयोटा, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से कितना आ जाएगा लॉग, ये कितना आ जाएगा रूट वन प्लस वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर टू द बेस ई। ये इसका जो जनरल आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्या क्या आएगा आपका, लिख सकते हैं इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा, मैं और भी एक्सप्लेनेशन से कर रहा हूँ इसको, प्लस टू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से लॉग, यहाँ आ जाएगा रूट टू टू द बेस ई, ठीक है डिस्टेंस, प्लस यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स वन अपॉन वन, ठीक है भाई, प्लस टू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड। देखो जी आपने जो ए आर जी, कैपिटल ए आर जी जेड टेन इनवर्स बी बाई ए क्यों लिखा भाई, क्योंकि ए भी जीरो से बड़ा है, बी भी जीरो से बड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, फर्स्ट और फोर्थ में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यही हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कितना है लॉग रूट टू टू द बेस ई प्लस ये पाई बाई फोर आ जाएगा प्लस टू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एन की वैल्यू जो लगाओगे आपके इनफाइनाइटली मैनी जो है इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका लॉग ही तो वन हो गया था, ये वन हो गया था, तो ये आपके सारी की सारी जो वैल्यू बनी है डब्ल्यू की वैल्यू बन गई, मतलब कि इसके सारे के सारे जो है सॉल्यूशंस आपके सामने निकल के आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। तीसरा पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में क्या दिया है आपको, वी हैव ई टू द पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है भाई, क्या आएगा लॉग ई टू द पावर डब्ल्यू लॉग जीरो प्लस आयोटा, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू लॉग ई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जेड की वैल्यू ये, ठीक है भाई, भाई लॉग जेड क्या था आपका, लॉग मोड जेड टू द बेस ई प्लस ए आर जी जेड, और ए आर जी जेड क्या था, कैपिटल ए आर जी जेड प्लस टू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिएगी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग जीरो प्लस आयोटा टू द बेस ई प्लस ए आर जी जीरो प्लस आयोटा, बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन से कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। सी एस आर नेट में हम इतना सॉल्यूशन नहीं करेंगे, वहाँ तो अब सीधा शॉर्टकट मारा करेंगे, बट ये कि लर्निंग प्रोसेस में आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से आई, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आ गया W वन, तो यहाँ से कितना आ गया भाई लॉग E की वैल्यू कितनी होती है वन, लॉग E की वैल्यू कितनी होती है वन, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना आ गया देखिएगा, लॉग ये रूट जीरो का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर टू द बेस ई, ठीक है भाई। ये क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जीरो प्लस आयोटा और प्लस टू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिएगा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी लॉग, ठीक है भाई, ये कितना आ गया रूट वन टू द बेस ई प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स आपका वन अपॉन जीरो, ठीक है भाई। यहाँ से कितना आ गया भाई टू एन पाई एन बिलोंग्स टू, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका जो है वाई एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है भाई, यहाँ आयोटा आपको यहाँ मिलेगा आयोटा, ठीक है भाई, और यहाँ से यहाँ एंगल कितना बनता है पाई बाई टू बनता है,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? मैंने आपको बताया भी था जेड क्या है, ए प्लस आयटा बी है। इफ ए जीरो है और बी जीरो से बड़ा है, ठीक है भाई, क्लियर है? देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा आपका, पाई बाई टू आएगा, ठीक है। बहुत ही डिटेल से मैंने आर्ग्यूमेंट के चैप्टर को डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज उन लेक्चर्स को देखें आप, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स आपको, ठीक है भाई। देखिए यहां से कितना आ जाएगा, लॉग ई, ये वन आ गया, ठीक है भाई, प्लस ये कितना आ गया, पाई बाई टू प्लस टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू गया जेड, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहां से ये तो कितना आ जाएगा, जीरो प्लस पाई बाई टू टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड भाई, लॉग वन जीरो होता है। देखिए आप इसको इस प्रकार खोल लेंगे, लॉग वन टू द बेस ई, तो क्या आएगा, लॉग वन अपॉन लॉग ई, तो ये क्या आएगा, जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला होता है लॉग, ठीक है भाई, बी टू द बेस ए, तो लॉग बी अपॉन लॉग ए हुआ करता था। इस फॉर्मूले से हमने इसको जो ओपन किया है, तो स्टूडेंट्स आपका डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, पाई बाई टू प्लस टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेके लिख देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, पाई प्लस फोर एन पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू जेड। ऑप्शन में आपको जो है पाई कॉमन लेके मिल सकता है, ठीक है भाई, क्या पाई कॉमन लेके मिल सकता है आपको, ऑप्शन में ये आंसर मिल सकता है, ठीक है भाई, आपका आ जाएगा फोर एन प्लस वन, ठीक है भाई, फोर एन प्लस वन पाई बाई टू और एन बिलोंग्स टू जेड, ये भी आंसर आपका बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये तीसरा पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट आपका वी हैव क्या डियर स्टूडेंट्स, e टू द पावर w माइनस थ्री, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां देखिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या फिर हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार लिख लेते हैं, e टू द पावर w इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस जीरो आयोटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां देखिए आप क्या आएगा, लॉग e टू द पावर w लॉग माइनस थ्री प्लस जीरो आयोटा, ठीक है डिस्टेंस क्या आएगा, w लॉग e, ठीक है भाई, ये क्या आ जाएगा आपका, लॉग मोड ऑफ माइनस थ्री प्लस जीरो आयोटा का मोड टू द बेस e प्लस आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस, लॉग ऑफ प्लस क्या आ जाए डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल ए आर जी माइनस थ्री प्लस जीरो आयटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई वन, ठीक है भाई, लॉग यहाँ कितना आ जाएगा, रूट माइनस थ्री का स्केयर प्लस जीरो स्केयर टू द बेस ई, ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा, कैपिटल ए आर जी, ठीक है भाई, जीरो अपॉन माइनस थ्री, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से कितना आएगा, प्लस टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो यहाँ से कितना आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग रूट नाइन टू द बेस ई प्लस, अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिएगा, जेड की वैल्यू ए प्लस आइटा बी हो, ठीक है, और यदि ए क्या हो नेगेटिव, ए क्या हो नेगेटिव और बी क्या हो जीरो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ए क्या हो नेगेटिव और बी क्या हो जीरो, देन मैंने ए आर जी, ठीक है भाई, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या बताया था, पाई बताया था आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या बताया था, पाई।
मतलब कहने का ये है कि आपका ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा पाई तो बनेगा डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ गई बात? मैंने बहुत ही डिटेल से ये बात आपको समझाई थी डियर स्टूडेंट्स। जिसने वो लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ वो देख लेना, ठीक है भाई, अच्छे से आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई प्लस, ठीक है भाई, 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया, w log √9 कितना है, 3 to the base e, प्लस यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, 2n प्लस 1 हो जाएगा, ये पाई बार आ जाएगा, n बिलोंग्स टू z, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर लगाते जाइए, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। आपको आई थिंक ये चारों पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा है, कैसा समझ आ रहा है, ठीक है भाई। ये दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहां से देखिएगा सॉल्यूशन 2 का ए पार्ट, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ठीक है भाई। तो क्या इसने फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है भाई, तो देखिएगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग आई इज इक्वल टू लॉग आई हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, लॉग 0 प्लस आइटा। अब आपको बताया था मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग जेड इज क्या होती है, एलओजी, ठीक है भाई, कैपिटल एलओजी जेड मोड जेड टू द बेस ई प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आएगा, लॉग मोड 0 प्लस आइटा टू द बेस ई प्लस क्या आएगा, यहाँ से आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 प्लस आइटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या आएगा, लॉग ई, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, √0² + 1²। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा ए प्लस आइटा बी आपके जेड की वैल्यू है, ए 0 है, बी कितना है आपका आयोटा, मतलब कि यहाँ पर 0 से बड़ा हम इसको कह देंगे, ये बी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, क्लियर है। आयोटा का कोफिशेंट बी, तो यहाँ देखिए यहाँ ये आयोटा लाई करता है, यहाँ से ये जो एंगल बनेगा वो पाई बाई 2 बनेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सिचुएशन थी, तो मैंने क्या बताया था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ए प्लस आयोटा बी का वो क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई 2 आया करेगा जब ये सिचुएशन हुआ करेगी। तो अभी भी यही सिचुएशन है, तो क्या कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ से कितना आ गया, लॉग √1 to the base e प्लस पाई बाई 2, ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया, लॉग 1 to the base e प्लस पाई बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ 0 प्लस पाई बाई 2 आ गया, कितना आ गया भाई ये, पाई बाई 2, ठीक है भाई। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है भाई, ए पार्ट आपका जो है सॉल्व हो चुका है। अब देखिए बी पार्ट और कर देते हैं, तीसरा सी पार्ट भी करेंगे, फिर जो है लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए बी पार्ट देखना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग 1 प्लस आयोटा, ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, लॉग 1 प्लस आयोटा, ठीक है भाई। तो ये क्या आएगा, लॉग 1 प्लस आयोटा टू द बेस ई प्लस
प्रिंसिपल आर्गुमेंट 1 प्लस आयटा, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आएगा, लॉग रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू द बेस ई, ये देखिएगा दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है भाई, दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, और जेड आपका ए प्लस आयटा बी है। तो यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस आयटा बी क्या आना था आपका, टेन इनवर्स बी बाई ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ठीक है भाई। ये आपका वन और ये आयोटा, ये पॉइंट यहाँ लाया करेगा वन, वन प्लस आयोटा, ठीक है, डिस्टेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो क्या आएगा, टेन इनवर्स बी बाई ए, मतलब आयोटा का कोफिशेंट अपोन में रियल पार्ट, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, लॉग रूट टू टू द बेस ई प्लस टेन इनवर्स वन, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग रूट टू टू द बेस ई प्लस पाई बाई फोर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। सी पार्ट और करते हैं, फिर जो है इसका हम जो है लेक्चर को एंड करेंगे। प्रिंसिपल सी पार्ट वैल्यू ऑफ लॉग माइनस फाइव इज इक्वल टू लॉग माइनस फाइव, ठीक है भाई, क्लियर है। तो क्या जाएगा आपका, यहां से लॉग इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लॉग माइनस फाइव प्लस जीरो आयटा, तो ये आपका आ जाएगा लॉग जीरो माइनस फाइव प्लस जीरो आयटा का मोड टू द बेस ई प्लस आर्गुमेंट माइनस फाइव प्लस जीरो आयटा, ठीक है डिस्टेंस। तो ये कितना आएगा, लॉग रूट माइनस पाँच का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर टू द बेस ई प्लस, अब ये देखिएगा आपका क्या है, जेड ए प्लस आइटा बी टाइप हो, ए क्या हो नेगेटिव और बी क्या हो जीरो, ठीक है डिस्टेंस। ये आपका पॉइंट यहाँ लाए करता है और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल जाएगा, पाई, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पाई, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, लॉग रूट पच्चीस टू द बेस ई प्लस पाई, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग फाइव टू द बेस ई प्लस पाई, ठीक है। ये आपका जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने जैसा कि बताया था, अगर वैसे पूछा जाए तो लॉग माइनस फाइव इन रियल, ठीक है भाई, एनालिसिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई, रियल एनालिसिस में नॉट डिफाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसकी वैल्यू जो है आपकी आ गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर मैं पूछूं इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भाई आपका लॉग माइनस फाइव क्या होएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लॉग माइनस फाइव क्या होगा, तो ये क्या होएगा आपका, लॉग ई मोड माइनस फाइव, ठीक है भाई, प्लस ए आर जी, ठीक है भाई, ए आर जी माइनस फाइव, ठीक है भाई, क्लियर है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, लॉग फाइव टू द बेस ई, ठीक है भाई, प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका पाई प्लस टू एन पाई, ठीक है भाई, पाई प्लस टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, ये आपका यहाँ से इस लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू आ गई, और ये हमने क्या निकाली थी, प्रिंसिपल वैल्यू। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे, मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे एक्सप्लेन करके लेक्चर लेकर आता रहूँगा डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय।